बारे में जरा हमें बताइए शुरुआत से, इंट्रोडक्शन, अपना टीमेट और आप कहाँ की हैं और उसके बाद जी. मेरा नाम है राही सरनोबत. मैंने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इंडिविजुअल सिल्वर और टीम गोल्ड जीता है. और मैंने 3 साल पहले शूटिंग शुरू किया जब मैं 16 इयर्स की थी और अब मैं 19 इयर्स की हूँ. और ये मेरा 14th इंटरनेशनल था और ये मेरा 7th इंटरनेशनल मेडल है. कोलापुर में आपने जी रहती है, शूटिंग रेंज नहीं है वहाँ पे, ये बहुत ही महंगा स्पॉट है जी. तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? पहले तो मेरे पास वेपन भी नहीं थी और 25 मीटर में करती भी नहीं थी इवेंट, क्योंकि कोल्हापुर में रेंज नहीं है, किसी को पता भी नहीं था कि ये इवेंट है. तो जब मैं बॉम्बे गई थी मैच खेलने के लिए, तब वहाँ के सेक्रेटरी जो है शीला कानूंग, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये इवेंट करना चाहते हो, तो मैंने कहा हाँ. तो उसके बाद मेरी बॉम्बे में ट्रेनिंग शुरू हुई 25 मीटर्स की. डेढ़ हफ्ते से आप इधर कॉमनवेल्थ गेम्स है, माहौल बना हुआ है, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस आपने कुछ नया सीखा, उनके कुछ नए प्रैक्टिसेस, कुछ आउटलुक बदला आपके लाइफ का? हाँ हाँ, ज़रूर बदला, क्योंकि होम रेंज है हमारी और इतने सारे लोग मतलब हमारी मैच देखने आए थे, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी इतने लोग नहीं देखे जो शूटिंग का इवेंट्स देखने आए. तो मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारे कंट्री में हमारी कंट्री के लिए कुछ करने का मौका जब मिलता है. और एक्सपीरियंस यही है कि एक इंटरनेशनल इंडिया में हो रहा है तो और शूटर्स आएंगे, नेशनल कंपटीशन बढ़ेगा, तो शूटिंग के लिए अच्छा है. सबसे ज़्यादा मेडल से शूटिंग से ही आए इंडिया में अभी तक कॉमनवेल्थ में, तो और इससे ज़्यादा आएंगे आगे. गोल्ड मिला आपको कॉमनवेल्थ में, आपका पहला मेडल है कि कॉमनवेल्थ में? हाँ, मेरा पहला कॉमनवेल्थ है, क्योंकि 4 साल पहले मैं शूटिंग नहीं करती थी. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि 4 साल पहले जब तेजस्विनी सावन जो है तेजुदी को मेडल मिला था मेलबर्न कॉमनवेल्थ में, और वो देख के मैं शूटिंग में आई थी दीदी को देख के, और मैं आज उनकी टीम मेट हूँ, तो और भी ज़्यादा प्राउड फील होता है. एज अ यंग अचीवर आप इस देश में, इट्स अ यंग कंट्री, एज अ यंग अचीवर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम कम एज में मतलब मतलब गोल्ड मेडल्स या कोई भी मेडल नहीं ला सकते इंटरनेशनल लेवल पे. हम इजीली मेडल्स ला सकते हैं अगर आप मेहनत करो, आपके कोच की सुनो और लगन से सारी चीज़ें करो, तो इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन. गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या फीलिंग आई आपको, क्या कैसा महसूस किया आपने? गोल्ड मेडल आने के बाद खुशी तो हुई, पर मेरे प्रैक्टिस जैसी चल रही थी वैसा ही मेरा मैच हुआ, तो मतलब इट्स नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस इस मैच में आया, उसकी खुशी है मुझे, क्योंकि प्रेशर की वजह से कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ पे मैंने मेरा बेस्ट दिया तो अच्छा फील होता है. हाँ हाँ, ओबियसली, क्योंकि जो होता है ना हमारा फ्लैग सबसे बीच में है, सबसे ऊपर जा रहा होता है हमारा, मतलब एंथम बज रहा होता है, तो मतलब ये है कि सब कंट्री के बीच में सबको सुनना पड़ता है हमारी वजह से हमारा एंथम, और सबको खड़ा होना पड़ता है उसके लिए हमारी वजह से, तो इट्स फील वेरी प्राउड. हाँ, आ रहे थे, क्योंकि ये मेरा पहला मतलब बड़ा मेडल है, इसके पहले भी मुझे मिले हैं लेकिन वो जूनियर कॉम्पिटिशन में मिले थे, जूनियर इंटरनेशनल्स में, तो ये मेरा पहला सीनियर वाला मेडल है, तो और भी अच्छा लग रहा था कि मेरी वजह से मतलब ये मौका मिला इंडिया को, फर्स्ट डे था शूटिंग का कॉमनवेल्थ में, तो अच्छा लगा.